हाय फ्रेंड, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रेशो, अनुपात और समान अनुपात, और आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक टाइप वाइज। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अनुपात एंड समान अनुपात, रेशो एंड प्रपोर्शन, इसमें अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट होता है इसका मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात जैसे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी मल्टीप्लाई सी बटे डी मल्टीप्लाई ई बटे एफ। तो अपना आंसर क्या होगा, ए सी ई बटे बी डी एफ। एग्जाम्पल देख लेते अपन, जैसे ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, उसके बाद सी अनुपात डी दे रखा है 8:4 और ई अनुपात एफ दे रखा है 5:6। तो इसका मिश्रित अनुपात कैसे याद करना, वही प्रोसेसिंग सेम, ए बटे बी तो 2:3 मल्टीप्लाई 8:4 मल्टीप्लाई 5:6। इसमें अपन को जो कटता उसको काट लेंगे, ठीक है, 4 से 2 बार, उसके बाद 2 से 3 बार, 5 × 2 कितना होगा, 10 10/9। तो अपना आंसर क्या होगा, 10/9। ठीक है, ये तो हो गया टाइप फर्स्ट। अब अपन आते हैं टाइप सेकंड। दो अनुपात से एकल अनुपात ज्ञात करना। दो अनुपात से एकल अनुपात ज्ञात करना, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये दो अनुपात देतेगा, इससे अपने पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखो, जब भी दो अनुपात से एकल अनुपात ज्ञात करना होगा तो अपन को कुछ ना कुछ वो हमेशा कॉमन देगा। जैसे यहां पर देखते हैं तो ए बी और बी सी, तो बी कॉमन है, तो ऐसा लिख, सबसे पहले लिख लो ए अनुपात बी और बी के नीचे बी, तो बी अनुपात सी। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, पर देखो कैसे आएगा, देखो जो ये प्लेस खाली है उसके पीछे बी के पीछे बी बैठेगा और यहाँ पर बी के आगे बी बैठेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ऐसे करने पर अपन ए बी और सी अनुपात याद कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अपने को ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5। तो वही ए बी सी निकालना, तो ए बी सी निकालने के लिए सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी कितना है 2:3, बी के नीचे बी तो बी 4, सी के नीचे सी 5। तो सबसे पहले इसमें 2:3 है, तो 3 के आगे 3 बैठेगा और इधर 4 के आगे 4, तो ए बी अनुपात कैसा आएगा, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15। तो अपना आंसर क्या हो गया, 8:12:15। ठीक है, उसी प्रकार से अपन आते हैं टाइप थ्री में। टाइप थ्री में तीन अनुपात से एकल अनुपात ज्ञात करना। तीन अनुपात से एकल अनुपात ज्ञात करना, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ये दे रखा, इससे अपने को एकल अनुपात ज्ञात करना। तो क्या हो सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ज्ञात करना। ठीक है, देखो इसमें भी ए अनुपात बी, बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी, उसके बाद चलो इसको ऐसे ए अनुपात बी, उसके बाद बी के नीचे क्या होगा, बी अनुपात सी, सी के नीचे सी, सी अनुपात डी। तो यहाँ से आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पर देखो यहाँ पर दो प्लेस खाली है, तो यहाँ दो प्लेस पे बी ही बैठेगा,
ताकि लास्ट में कौन बैठा है, बी, तो यहाँ पर भी बी और यहाँ पर बी, यहाँ पर एक प्लेस खाली है तो लास्ट में सी बैठा है तो सी, और यहाँ पर एक प्लेस तो आगे बी है तो बी, और यहाँ पर सी, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा। इसी टाइप से अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी जो है 3:2, तो वही ए बी सी डी, ये है ए अनुपात बी तो 2:3, उसके बाद ये है बी सी तो बी के नीचे बी 4:5, उसके बाद ये है सी अनुपात डी तो सी के नीचे सी, तो सी और डी के नीचे है डी, तो यहाँ से अपना आंसर आएगा। देखो यहाँ पर दो प्लेस खाली है तो 3 बैठेगा, और यहाँ पर एक प्लेस खाली है तो 5, और यहाँ पर आगे 4 है तो 4, और यहाँ पर आगे 3 है तो दोनों जगह 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 × 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12 × 3 = 36, 3 × 5 = 15 × 3 = 45, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15 × 2 = 30। तो देखो अपना आंसर क्या आया, 12:36:45:30, पर देखो अनुपात क्या होता है, सबसे छोटी संख्या तो इसको काटो, 3 से कट रहा, 3 × 4 = 12, 3 से 12 बार, 3 से 15 बार और 3 से 10 बार, तो अपना आंसर क्या होगा, 4:12:15:10, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से अब अपन आते हैं टाइप 4 पर, टाइप 4 में अपन देखते हैं यदि ए बी सी इस प्रकार है, ए बटे 2 अनुपात बी बराबर बी बटे 3 बराबर सी बटे 4, ठीक है, तो अपने को ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखो जब भी अपने को बराबर में दे रखा हो, जैसे ए बटे 2 बी बटे 3 और सी बटे 4, तो अपना आंसर हमेशा वही होता है जो जिसका मान होता है, तो देखो अपना ए का मान कितना होगा 2, बी का मान 3, सी का मान 4, तो अपना आंसर क्या होगा 2:3:4, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं टाइप 5 पर, आगे देखते हैं टाइप 5, यदि ए बी सी इस प्रकार है, ठीक है, वापस से यदि ए बी सी इस प्रकार है, ए बटे 2 अनुपात बी बटे 3 अनुपात सी बटे 4, अनुपात में दे रखा है, यदि ए बी सी इस प्रकार है कि ए बटे 2 अनुपात बी बटे 3 अनुपात सी बटे 4, तो ज्ञात वही करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखो जब भी अपने को पहले अपन ने पढ़ा था तो बराबर में था, पर इस बार देखो अनुपात का साइन है यहाँ पर, जब भी अनुपात का साइन हो तो सबसे पहले इन नीचे वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो देखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12, और एलसीएम लेने के बाद जो संख्या होती है इससे डिवाइड करते हैं, 2 से अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ तो ए का अनुपात क्या आएगा 6, बी का अनुपात क्या आएगा 3/12 और सी का क्या आएगा 4/3, तो अपना आंसर क्या होगा 6:4:3, ठीक है, ये तो हो गया अपना आंसर। उसी प्रकार से अपन देखते हैं आगे, इसमें एक टाइप और बनता है, टाइप नंबर 6 कर लो इसको, यदि ए बी सी इस प्रकार है 2a = 3b = 4c, ठीक है। देखो अपन ने टाइप 4 पढ़ा था उसमें लिखा हुआ उसमें था a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर 4/c, पर देखो इसमें अपन को भिन्न में नहीं दे रखा है, इसमें अपन को बराबर में है, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है हमेशा उसका एलसीएम लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि एलसीएम नहीं लेते हैं और ए के बराबर में ए अनुपात 2 बी अनुपात 3 और सी अनुपात 4 और उसको आंसर कर देते हैं और वो आंसर गलत होता है, तो इसका एलसीएम वही 12 ही होगा। तो देखो इसको इससे डिवाइड करो तो ए का अनुपात 6 बी का अनुपात 3/12 सी का अनुपात 3, तो आंसर क्या होगा 6:4:3, ठीक है। ये तो होगा अपने टाइप 6, अब अपन आते हैं टाइप 7, टाइप 7 ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी,
तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ए डी बराबर बी सी, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं टाइप आठ पर। टाइप आठ ये होता है कि प्रथम अनुपात ज्ञात करना। प्रथम अनुपात ज्ञात करना, इसमें अपने को तीन अनुपात दे देगा और अपन से पूछेगा कि इसका प्रथम अनुपात क्या है, जैसे ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, टी। अपन को जैसे पूछा उसने कि दो, तीन और चार का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी अपन से पूछता है कि दो, तीन, चार का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जो पूछता है उसको एक्स मान लो। उसके बाद देखो बी कितना होगा दो, सी कितना होगा थ्री, टी कितना होगा फोर। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया, यहाँ से अपने पास प्रथम अनुपात आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बटे दो बराबर तीन बटे चार। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा, फोर एक्स बराबर सिक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री बाय टू। तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री बाय टू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।